जय माता। मैं चेतन कृष्ण मल्होत्रा भजन सिंगर मुंबई से हूँ, मुंबई में रहता हूँ। और मेरे जो हैं 19 भजन जो हैं वो अभी तक रिलीज हो गए हैं। 20वां भजन 20th भजन मेरा ऑलरेडी ऑन द वे है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी एडिटिंग पे मैं आगे बैठने लगा हूँ। और ये मेरा भजन 99% मैं ये भजन भी टी सीरीज को दूंगा, जो टी सीरीज अपने चैनल पे निकाले। तो कैसे शुरू हुआ सर, बचपन से ही आप जो गायकी में शौक रखते थे, विरासत में मिला कि उसको कैसे आगे लेके गए थे? ये सर, ये पूरा माता रानी की कृपा है, उनसे मिला और उनसे ही हो रहा है ये। मैं बचपन में अप्रोक्सीमेटली मैं 7 साल की उम्र से मैं भजन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरी मदर बहुत डिवोशनल लेडी थी, शिव जी को मानने वाली, माता रानी को मानने वाली, और मैं उनके साथ में दुर्गा स्तुति का पाठ करना, सब कुछ करना, तब से मेरी माँ से मैं धीरे धीरे करके सीखा हूँ। और आगे चल के अगर मैं देखूँ तो मैं माता की चौकियाँ मैं रेगुलरली हर अटेंड करी है। अराउंड 13 साल की उम्र में मैंने पहला माता का पूरा जागरण किया था, जिसमें तारा रानी की कथा भी मैंने खुद करी। तो उसमें नरेंद्र चंचल भी जो थे वो काफी जागरण करते थे, कभी साथ मेल हुआ तो बॉम्बे में उन्हें बताते जाते थे। नहीं सर, उस टाइम मैं बॉम्बे में नहीं था, मैं दिल्ली में रहता था और मैं पैदा हुआ हूँ दिल्ली में, और मेरा मेरी जो परवरिश भी है वो भी दिल्ली में हुई है। मेरे घर के पास में ही नरेंद्र चंचल जी, इवन गुलशन कुमार जी का भी घर मेरे घर के पास था, और मैं कोशिश करता था कि जहाँ जहाँ उनकी माता की चौकी होती थी आसपास में, छोटा था उस टाइम, तो जहाँ जहाँ कोशिश करता था मैं वहाँ पे हमेशा पहुँचता था, उनके पीछे पीछे गाता था, और मुझे वो मेरे आज की डेट में उनसे ही मुझे इंस्पिरेशन मिली माता की चौकी करने के लिए। तो मुंबई माया नगरी है, लेकिन भजन कैसे है कि आप भजन में गाए बैक टू बैक 20 महीने में 20 भजन? सर अभी तक 19 भजन रेडी हैं, 20वां महीना अभी चढ़ा है, और 20वें महीने में मेरा ऑलरेडी भजन मेरा रेडी है। मुंबई माया नगरी जरूर है, मगर मुंबई में आप देखेंगे कि बहुत माता के भक्त बैठे हैं, चाहे जरूरी नहीं है कि वो पंजाबी हों, मारवाड़ी हों, गुजराती हों, वह हर जगह, बिकॉज जैसे हम लोग बोलते हैं माता वैष्णो देवी, वो बोलते हैं अपना गुजराती, बोलते हैं अंबे माता, बात तो वही है ना। और ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, प्रभु एक है। मैं साईं बाबा को बहुत मानने वाला हूँ, शिरडी साईं बाबा को। गुरु नानक देव जी ने मेरा बहुत साथ दिया है, बचपन से मैं उनके पास में हरमंदिर साहब आ रहा हूँ और मैं यहाँ वहाँ पे दर्शन कर रहा हूँ। तो अब भी आपको प्रकाशपुरम निकल के गया, दर्शन किए होंगे आपने, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मैं पूरा, मुझे आज मैं जब वहाँ पहुँचा, मेरे को PIA वाले भी मिले थे, जिन्होंने मेरी छोटी सी शॉर्ट इंटरव्यू भाड़ ली थी, और उसके बाद मैंने दर्शन किए थे। दर्शन करने के बाद में मुझे मौका मिला, बिकॉज कुछ लोग मुझे वहाँ पहचान गए थे, तो उन्होंने बोला आप आराम से बैठिए, और मेरे को 5 मिनट बैठने का पूरा अंदर मौका मिला गुरुपूर्व वाले दिन। और गुरुपूर्व में मैंने दर्शन करे, आतिशबाजी देखी, और मुझे बहुत आनंद, बहुत आनंद। सर आप पंजाबी भी जानते हैं, कभी पंजाबी में भी जागरण, कभी ऐसे माता की चौकी की होगी आपने? मैं 80% जड़ा है, मैं पंजाबी में ही गाँदा। मेरा जेड़ा एक भजन है बड़ा हिट गया है, मैया टाइम कड, तो वो मेरा पंजाबी भजन ही है। और मेरे अभी तक देखिए, बिकॉज मैं जहाँ रह रहा हूँ मुंबई, मुंबई नगरी में, वहाँ पे लोग कम जानते हैं पंजाबी, मगर मेरे को मौका पूरा मिलता है वहाँ। तो बड़े सिंगर है जैसे सर बॉलीवुड के कई सिंगर, उनके साथ भी आपको मौका मिला होगा, और कई बार जो भजन गायक है जैसे माता की चौकी है, या धार्मिक गायक है लखबीर सिंह जो लखा है, और भी कई है, तो कैसे मेलजोल रहता सर उनके साथ कि आप भजन गाते हैं तो कभी मिलते भी होंगे, साथ साथ आपकी यार दोस्त भी होंगे? देखिए सर, मेरा मेरा मैं जो हूँ, मेरे पास में इंडियन सिंगर एसोसिएशन का मैं वन ऑफ द मेंबर हूँ। मेरे को मुलाकात जहाँ, जिसके चेयरमैन आज की डेट में अनूप जलोटा जी हैं, अनूप जलोटा जी के साथ में मुझे 2-3 बारी मिलने का पूरा मौका मिला है। एक बारी तो मुझे उन्होंने अपने घर पे बुलाया था, और हम लोगों ने संगीत गाया भी था, इवन मेरे बेटे जो वो सिंगर हैं, वो कंपोजर हैं, वो भी मेरे साथ में थे, और हमने काफ़ी वक्त गुजारा। इसके अलावा सोनू निगम जी,
हैं। इसके बाद में जैसे जसविंदर नरूला जी, अभी मेरे को उनसे उनसे उनके साथ में मिलने का मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं उनको मिला आई थिंक आफ्टर मोर देन 15 ईयर्स, 15 साल के बाद मैं उनको मिला, तो अच्छा लगता है। दिल्ली से बॉम्बे का सफर कैसे तय हुआ? दिल्ली से बॉम्बे का सफर काम के चक्कर में तय हुआ। मैंने अपने फादर के फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया और आज की डेट में मेरे पास में लवासा में और गोवा में दोनों जगह मेरे पास में अपनी हॉलीडे होम्स हैं, जहाँ पे लोग आते हैं और लोग रहते हैं डे पे में। और जब से ये नई नई मोदी सरकार जो हमारी 10 साल से चल रही है, उन्होंने बहुत प्रमोट किया टूरिज्म को, और उसके कारण जो टूरिज्म है, चाहे मेरे लवासा प्रॉपर्टीज हैं और गोवा प्रॉपर्टीज हैं, उसमें अच्छा हाइक हुआ। सर, देश विदेश में जाने का मौका मिलता है। पिछले दिन आप दुबई भी गए थे, तो कैसा लगा था? बहुत ही बढ़िया, विश्व में मंदिर जो बना है दुबई में देखने लायक था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ दुबई ही नहीं गया, मैं दुबई के अलावा यूरोप, लंदन, इसके ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे को हर जगह मैं भजन के लिए पहुंचा हूँ। मैं अभी 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 मैं उस पर आता हूँ। मुझे हिंदू टेम्पल जो वहाँ नया बना, मुझे बहुत ही प्यार मिला सारे लोगों से। मैंने जन्माष्टमी वाले दिन मैंने वहाँ पे रात को भजन किया था, और 12 बजे वो लास्ट जो भजन भी था वो मेरा ही था वहाँ पे, और लोगों ने बहुत आनंद उठाया उसका। तो तुम्हें बच्चे भी कहते, सुना कि आपके विरासत के साथ चल रहे हैं भजन गायकी, पहले दूसरी सिंगिंग में थे लेकिन आप भजन गायकी में वो भी आ चुके, और घर में ही पूरी टीम है एक साथ से आपके पास। ये मेरे माता रानी की बहुत कृपा है, ये मेरे गुरु महाराज की बहुत कृपा है, उनके कारण सब कुछ हो रहा है। तो सर, ये अभी जो आपके जो बैक टू बैक जो भजन चल रहे हैं, ये कौन सी प्लेटफॉर्म में चल रहे हैं, और कोई कंपनी के साथ भी आपका कोई टाई अप होने जा रहा है? देखिए, मेरा जो 18 भजन जो आए थे वो मेरे थे चेतन कृष्णा मल्होत्रा, यूट्यूब चैनल मेरा है, उसके ऊपर मैंने रिलीज किए थे, बैक टू बैक मैंने भजन दिए। उसके बाद मेरे को टी सीरीज से नोएडा ऑफिस से फ़ोन आया था कि हम आपको, अगर आप चाहते हैं, हम ज़रूर हम लोग आपके साथ आगे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। तो मैंने उनको, बिकॉज उन्होंने मेरा जो भजन देखा था, क्योंकि मेरी एक सर एक आदत रही है, जो भी मैं भजन करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ उस जगह जाके करूँ। एग्जाम्पल, मैंने अगर बद्रीनाथ जी का भजन किया तो मैंने कोशिश करी कि मैं बद्रीनाथ में जाके वहाँ भजन करूँ। केदारनाथ जी का भजन किया तो केदारनाथ में -6 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा था, वहाँ पर मैंने भजन किया। तो जब मेरा केदारनाथ जी का भजन आया, जय केदारनाथ महाकाल, मुझे वहाँ से कॉल आया टी सीरीज से, उन्होंने बोला कि आप कौन सा नया भजन के ऊपर चल रहे हैं। मैंने उनको बोला कि अब जो है मैं पशुपतिनाथ, कहते हैं ना, जब केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए तो जब तक पशुपतिनाथ जी के दर्शन नहीं हो नेपाल, तो आपका नेपाल में काठमांडू, तब तक आपके दर्शन पूरे नहीं माने जाते। उसके पीछे भी एक कहानी है, आई थिंक सब लोगों को मालूम है, क्योंकि कहते हैं जो शिव जी ने भैंसे का रूप धारण किया था वो अंदर गए थे, पीछे का पोर्शन जो है वो रह गया यहाँ पर केदारनाथ जी में, और जो मुंह निकला वो जाके निकला पशुपतिनाथ जी में। जो पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए जब मैं वहाँ पे गया, उनसे मैंने जाना था, तब मैंने उनको बोला मैं पशुपतिनाथ जी जा रहा हूँ, अगर आप ओके करें तो मैं पशुपतिनाथ जी के दो भजन मेरे मन में है। तो उनको मैंने वो भजन सुनाए जिसमें 80% मैंने लिखा हुआ है। एक भजन जो है वो शिव सफर का है, एक भजन जो है प्रमोद जी का है। तो जो प्रमोद जी का जो भजन है उन्होंने उसको पसंद किया, उन्होंने बोला चेतन जी ये वाला भजन हम आपसे लेंगे अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा और वर्कअप करके। और मैंने कहा देखिए अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, जाके कंप्लीट करके बस फाइनल कर। नेक्स्ट मंथ जो आपका 20वां भजन है बैक टू, अरे मैं उसी के लिए तो आया हूँ अमृतसर में। अभी देखिए मेरे पास में एक तो देखिए एक गुरुपुरब था, मैं चाहता था कि मेरे को गुरु महाराज के दर्शन हो जाए, और इससे बड़ा दिन और कौन सा दिन है आप मुझे बता दो कौन सा दिन है।
ये सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए कि अगर हम गुरु महाराज के गुरुपूरब वाले दिन दर्शन करें। उसके बाद में कल का दिन मैंने पूरा दिन मैं था चिंतपूर्णी ज्वाला जी और मैं तीसरा मैंने किया अपना बंगना बुखे, तो मैंने वहाँ पे अपना शूट करी है। गाना मेरा ऑलरेडी रेडी था, मैंने सिर्फ शूटिंग बाकी रह गई। तो ये हिंदी में ही पंजाबी में? ये वाला हिंदी में है। तो सर पैशन और एक तरफ बिजनेस कैसे मेंटेन करते हैं? सर ये माता रानी खुद करा रही है। मैं आपको बताऊं कि मैं तो मेरा हार्ट का टेकिकार्डिया का ऑपरेशन हुआ था आज से 20 महीने पहले। मेरे मन में एक आवाज़ आई थी, कानों में एक आवाज़ गूंजी थी कि अब तू मेरा नाम पूरा फैलाएगा। तो और तब से अब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि हर महीने एक भजन करने को, और मेरा भजन आ रहा है। बीच में एक ऐसा भी हुआ कि दो भजन दिए मैंने, बट मेरा भजन आ रहा है। तो सर इसकी कंपोजिंग और कुछ राइटर भी है या कुछ इसको जैसे आप गाते भी हैं तो कुछ उस अलग से और भी देना जैसे कि लिखते भी हैं? सर मैं मेरे एक आदत है, कोई भी भजन जो है मैं उसको पहले खुद थोड़ा सा लिरिक्स रेडी करता हूँ। हाँ इंट्रो, बिकॉज इंट्रो को हमारा मुखड़ा, वो मुखड़े में मैं उसको कंपोज करता हूँ कि मुझे मुझे कैसी धुन चाहिए। उसके ऊपर अगर वो मुझे धुन प्यारी लगती है तो फिर मैं उसको अपने जो मेरे राइटर्स हैं मैं उनको उनका साथ लेता हूँ कि मेरे को इस तरीके से मेरे को पैराग्राफ चाहिए, आप मुझे बना के दीजिए, और वो लोग मुझे पूरा साथ देते हैं। कोई चंद लाइनें कोई आपकी भजन? साईं तेरा ही नाम, साईं तेरा ही नाम, हर वक्त रटू साईं तेरा ही नाम, हर रोज रटू साईं तेरा ही नाम, मेरे दिल में है तस्वीर तेरी। ये मेरे बहुत प्यारे, ये मेरा पहला भजन जो मैंने पूरा 100% खुद लिखा। एक पंजाबी में भी बिल्कुल। माए टाइम कडे, माए टाइम कडे, थोड़ा टाइम कडे, माए टाइम कडे, जोत भी जगाई है, चुन्नी भी चढ़ाई है, सोने सोने फुला नाल चौकी भी सजाई है, हुन बिनाई फेरे आएगी तू कद मैया, टैम कटे माए टैम कटे। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। नवी जनरेशन ली सर कोई मैसेज जेडे सिंगिंग ते आ रहे हैं, जेडे जागरण भी करते हैं भजन भी करते हैं, उन्होंने की मैसेज है? सर मेरे लिए मैं आपको बताऊं, कहते ना नशा, नशा अगर लेना है तो प्रभु के नाम का नशा लो। क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे मैंने बहुत सुन रहा था कि इतना कुछ जो जो हो रहा था, तो मेरे बस मेरे मन में सिर्फ ये है कि नशा लेना है तो प्रभु का लो, इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है। जिस टाइम अगर मैं गा रहा हूँ तो मेरे आई ऑलवेज गेट गूज बम्स, ठीक है, ये मेरे मेरे जो चीज़ है मैं तुम्हें दस रहा। तो मैं उन लोगों को यही बोलूंगा कि आप सुनिए, जरूरी नहीं मेरा सुनिए, जिसका भी सुने भजन अच्छे सुने और मीनिंगफुल सुने, और आप उस चीज का नशा लें इंस्टेड ऑफ गोइंग गलत नशे पे। सर संघर्ष करके आदमी आगे निकल रहा है, इस तरह जब थोड़ा ब्रेक होया था एक टाइम कभी महसूस होया कि मैं गा पाऊंगा कि नहीं गा पाऊंगा? सर मैं कानों में मेरे भजन कराना है, पूरे पूरे सृष्टि में मेरा भजन करना है, तो वो भजन जब उनका करना है तो वो किस चीज, फिर मुझे डर किसी चीज का नहीं था, मुझे मुझे पता था अब यह तो होके ही रहेगा, कैसे होगा कैसे करना है वो माता रानी को। बहुत